बिहार असेंबली के मानसून इजलास के आज चौथे दिन भी ऐवान के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का हंगामा देखने को मिला। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही ऑपोजिशन के मेंबर वेल में आ गए और यूथ कांग्रेस के लीडरान पर लाठीचार्ज को लेकर जोरदार हंगामा किया। ऑपोजिशन के हंगामे के बीच ऐवान की कार्रवाई चलती रही, लेकिन ऑपोजिशन के लीडरान वेल में चले गए। कुर्सी लगाकर लेफ्ट के महबूब आलम पैरेलल ऐवान के स्पीकर बन गए और ऑपोजिशन के मेंबरान ने अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। आरजेडी की एमएलए रेखा देवी ने खवातीन को लेकर सरकार के रवैये को उठाया तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस का मुद्दा भी इस पैरेलल सदन में उठा गया और हंगामे की वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। तो आज भी खासा हंगामा हमें देखने को मिला। बिहार असेंबली में ये सब कुछ हुआ और खासा यहाँ पर ऑपोजिशन हमलावर रहा सरकार के ऊपर और काफी हंगामा हुआ। यहाँ पर कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया विपक्ष की तरफ से। आरजेडी के जो तमाम लीडरान थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। बिहार असेंबली के मानसून इजलास के आज चौथे दिन भी खासा हंगामा रहा। ऑपोजिशन का हंगामा ये देखने को मिला। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही ऑपोजिशन के मेंबर वेल में आ गए और यूथ कांग्रेस के लीडरान पर लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने जोरदार हंगामा किया। दरअसल यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उसी मुद्दे को यहां पर उठाया जा रहा था। ऑपोजिशन के हंगामे के बीच ऐवान की कार्रवाई चलती रही, लेकिन ऑपोजिशन के लीडरान वेल में चले गए। कुर्सी लगाकर लेफ्ट के महबूब आलम पैरेलल ऐवान के स्पीकर बन गए और ऑपोजिशन के मेंबरान ने अपना मुद्दा उठाना यहां पर शुरू कर दिया। आरजेडी की एमएलए रेखा देवी ने खवातीन को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो उन्हें लेकर बयान दिया था उसको भी हम देख रहे हैं कि खासा बयानबाजी उसको लेकर जारी है। सियासत भी उस मुद्दे पर काफी हो रही है। तो वहीं आईएएस अधिकारी संजीव हंस का मुद्दा भी इस पैरेलल सदन में उठाया गया। हंगामे की वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा है। तो आज चौथे दिन भी काफी हंगामेदार रहा। वहीं बिहार असेंबली के मानसून सेशन के चौथे दिन कांग्रेस के अराकीन असेंबली काली पट्टी बांधकर पहुंचे और इन अराकीन ने कल यूथ कांग्रेस के लीडरान पर लाठीचार्ज को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस अराकीन असेंबली का कहना था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बदउनवान अधिकारी मंत्री के साथ घूम रहे हैं और प्रोटेक्ट करने वालों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूर ने कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन को सही बताया और कहा कि पूरा बिहार काले नीतीश कुमार के शासनकाल में काले अंधेरे में है। तो नीतीश कुमार के शासनकाल में अंधेरे में है पूरा बिहार, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो खासा हंगामा यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर भी जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां प्रोटेस्ट किया गया है ऑपोजिशन के जरिए। आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूर ने कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन को सही बताया और कहा कि पूरा बिहार नीतीश कुमार के शासनकाल में काले अंधेरे में चला गया है। तो नीतीश सरकार पर जमकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं, हंगामा यहां पर किया गया और देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी किस तरीके से यहां जो ऑपोजिशन के लीडरान हैं मौजूद हैं। उनको शर्म नहीं आती है, झुंझुना पकड़ा दिया सरकार ने, उनकी पुलिस नौजवानों को मार रही है, उसमें उनका भी कोई भाई होगा। रोजगार के समस्या पे बेरोजगार नौजवान जब कुछ मांगने के लिए सड़क पे जाता है, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उसको जख्मी किया जाता है, उसको घसीट घसीट के मारा जाता है। ये तो बिहार की पुलिस है, उनको शर्म आनी चाहिए बात कहने के पहले। वहीं आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो खवातीन की बार बार तौहीन ना करें। पब्लिक जनता लाता था हमारे हाईकोर्ट से जाकर रोक लगवाया।